हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन नॉट स्टडी। सो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ हाईवे इंजीनियर का एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। सो काफ़ी दिन हो गए मैं जो वीडियो नहीं लेके आ पाया था आपके लिए। सो अब आपको पता है कि राजस्थान पीएससी ए का एग्ज़ाम आने वाला है और मैं जितनी वीडियो लेके आया था वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं लेके आऊँगा उसके लिए भी लेके, स्पेशली आरपीएससी ए असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्ज़ाम इसमें दिसंबर में बता रहे हैं। सो आपके लिए अभी काफ़ी टाइम है और उसके बाद तुरंत आपका एसएससी जेई एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो भी स्टेट वाइज अभी एग्ज़ाम इंजीनियर के होते रहते हैं तो सारे के साथ सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सो गाइज, आपने मेरा चैनल अभी तक न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू अभी जो सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो और ये चैनल, क्योंकि मैं कंटिन्यू लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो। ओके, एंड जो ओल्ड स्टूडेंट्स उनको पता ही होगा मैं किस टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ इमेजेस के साथ। जो नए होंगे उनको नहीं पता तो वो थोड़ा कंटिन्यू देखते रहिए और फिर बताइए कि कैसा लगा। अभी मैं पार्ट वाइज अभी मैं लिख ही नहीं आ रहा, मैं थोड़ा देखता हूँ, क्योंकि मैंने जो एक दो लेक्चर लेके आया हूँ उनको मैं सोच रहा हूँ उनको कंबाइन ना करूँ। मैं यहाँ से स्पेशली फर्स्ट पार्ट से लेके बोलता हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फर्स्ट सेकेंड एज अ पार्ट है, पर उनको मैं रिमूव नहीं करूँगा, बट ये कि उनको अलग करके यहाँ से मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा। टारगेट कह सकते हैं कि राजस्थान पीएससी एसएससी जेई एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते, अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लैंटर्न एंड द कैरिज वे, यानी कि लैंटर्न सेंटर ऑफ लैंटर्न और कैरिज वे के जो बीच में डिस्टेंस होती है उसको वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है वर्टिकल डिस्टेंस तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड हाइट या आउटरीच हाइट या रूफ हाइट या माउंटेन हाइट। तो जो आंसर आता है वो अपना है डी, माउंटेन हाइट, यानी कि हाइट ऑफ माउंटेन कहलाता है इसके बीच में सेंटर ऑफ लैंटर्न एंड कैरिज वे। मैं भी इसका डायग्राम नहीं लेके आया था, बट मैंने और क्वेश्चन लेके आया बट इसका नहीं लेके आ पाया था। सो नाउ हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल रोड, अनमेटल रोड इनमें से कौन सा रोड है अनमेटल रोड। तो सिंपल है इसका, अनमेटल रोड जो एक और नाम से जाना जाता है वो है हमारा अर्थन रोड। तो आंसर हमारा ए रहेगा, अर्थन रोड। अर्थन रोड क्या होता है, जो मिट्टी का रोड बना होता है उनको हम अर्थन रोड बोलते हैं। मैं जो कि इमेजेस भी लेके आया था आप देख सकते हैं, ये दिस इज़ अनमेटल रोड भी बोलते हैं और इन्हें अर्थन रोड भी बोला जाता है। तो मेटल रोड और अनमेटल रोड के बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं आप कि क्या है। मेटल रोड आर आल्सो नोन एज द पक्का, मीन्स वो तो हिंदी में हम बोलते हैं पक्का, बट इंग्लिश नहीं है पक्का। ओके, तो पक्का यानी कि मोटरेबल बोल सकते हैं इसे, मोटरेबल और ऑब्लिक में ऑल वेदर रोड भी बोला जाता है। मेड ऑफ द सीमेंट से बना होता है मेटल रोड और कॉन्क्रीट से बिटुमिन से बना होता है। ओके, और हैवी व्हीकल कैन मूव, इसमें हैवी व्हीकल कैन मूव हो सकता है मेटल रोड पे। अनमेटल रोड में क्या होता है, ये मेड ऑफ सैंड से, ब्रिक से, स्टोन से, दे गो आउट फॉर द यूज इन रेनी सीजन, यानी कि ये जो बनता है यानी कि अनमेटल रोड जो बना हो इनसे बना होता है तो रेनी सीजन में रिमूव हो जाता है, मतलब कैसे गे आउट हो जाता है, गो आउट होता है। और जो लाइट व्हीकल है वो कैन मूव कर सकता है, इसमें हैवी व्हीकल नहीं मूव करता, हैवी व्हीकल वो भी करेगा तो देन वो इरोजन हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका ए आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विद फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग इज, यानी कि एक नागपुर जो नागपुर कॉन्फ्रेंस है उसके अनुसार एक कठोर चट्टान में आदर्श राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है चौड़ाई है। तो ये थोड़ा अपन को पता होना चाहिए कितनी चौड़ाई है, और वो आंसर हमारा है 7.9 मीटर। कितना है, 7.9 मीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। देख सकते हैं फॉर्मेशन किसका, आई नेशनल हाईवे का, इन किस में, हार्ड कटिंग रोड यानी कि इन हार्ड रॉक कटिंग में। तो वो हमारा आंसर रहेगा, वो हमारा रहेगा 7.9। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इनमें से पूछ लेते हैं, जो इनके ईयर पूछ लेते हैं, कमेटी दे देते हैं आईआरसी, सपोज दैट आईएससी इंडियन रोड कांग्रेस है हमारे, इसके अकॉर्डिंग ही जो कि इसके अकॉर्डिंग ही हमारे उसमें हाईवे का जो भी काफ़ी इसमें प्रोजेक्ट बनता है तो इसके अकॉर्डिंग बनता है। ऐसे कि इंडियन रोड कांग्रेस है तो वो किस ईयर में स्टडीज हुई थी, तो हम आंसर जो कहेंगे वो 1934। तो सारे में कमेटी लेके आते हैं, जैकर कमेटी 1927, सेंट्रल रोड फंड तो वो 1929, आईआरसी सेंट्रल
रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन 1950 1950, नेशनल हाईवे एक्ट 1956। तो ये सारे जो मैं लेके आया हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे कि थर्ड 20 ईयर प्लान, तो ये आपको पता होना चाहिए, थर्ड 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकेंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान, ये किस किस ईयर में हुई थी, ठीक है, ये आपको पता नहीं, मैं अभी अभी ये क्वेश्चन आया उसमें बताऊँगा। सेकेंड ये देख सकते हैं, सेकेंड ईयर 20 प्लान, ये 1961 से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1943 से, सेकेंड हुआ था 1961 से, और थर्ड हुआ था 1981 से। इनके नाम भी है तो मैं बताऊँगा अभी। द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड अलोंग द सेम व्हील पाथ कम्युलेटिव डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजल्टिंग इन, यानी कि रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड अलोंग द सेम व्हील पाथ कॉज द कम्युलेटिव डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, यानी कि जो व्हीकल है, जो व्हीकल है कंटिन्यू उसी जगह से, सपोज दैट हमारा एक ये अपना हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, ये यहाँ से व्हीकल जा रहा है, ठीक है, व्हीकल जा रहा है यहाँ से, तो देन वो एक ही जगह से रिपीटेड यानी कि लोड अलोंग द सेम व्हील, अलोंग किसके, रोड के अलोंग सेम एक ही जगह जाता है, एक ही कह सकते हैं, यानी कि पहिए जो वाहनों के जो पहिए होते हैं लगातार एक ही जगह से निकलते हैं एक ही पाथ से, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो सिंपल है वो हमारा रहता है आंसर, वो लॉन्गिट्यूडनली रट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारा काफ़ी बार पूछा गया है, देख सकते हैं। एक रट इज़ अ डिप्रेशन और ग्रू, यानी कि जो खांचा और टाइप में होता है, ये देख सकते हैं, ये तो डिप्रेशन हो जाता है, कम हो जाता है, डिप्रेशन और ग्रू वॉन इन टू अ रोड बाय द ट्रेवल ऑफ व्हील, जो व्हील होती है पहिए होते हैं उनके ट्रेवल के जरिए ये ग्रूव हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ द फेल्यूर, इस फेल्यूर के हम क्या बोलते हैं, किसके कारण होता है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, कौन सा रीजन है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड अलोंग द सेम व्हील, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द लोड अलोंग द सेम व्हील, तो वही क्वेश्चन पूछा था, रिपीटेड एप्लीकेशन लोड अलोंग द सेम व्हील, तो आंसर आएगा लॉन्गिट्यूडनली रट। अकॉर्डिंग टू द हाईवे रिसर्च बोर्ड soil, according to the highway research board soil are classified into, इसमें पूछा गया है जो हाईवे रिसर्च बोर्ड के अनुसार जो मिट्टी के कितने प्रकारों में डिवाइडेड करती हैं, वर्गीकरण भाग में क्लासीफाइड जो बांटे गए हैं, तो वो है 7। तो ये मैं थोड़ा लेके आया, दिस सिस्टम ऑफ अ क्लासीफिकेशन इज बेस्ड ऑन बोथ द पर्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पर्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन और जहाँ तक कि हमारा प्लास्टिक साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इन दो में बांटे गए हैं लेकिन 7 टोटल हैं। तो दिस सिस्टम इज मोस्टली यूज फॉर द पेमेंट कंस्ट्रक्शन इन दिस टाइप ऑफ द सॉइल डिवाइडेड इनटू 7 प्राइमरी ग्रुप, जैसे कि A1, A2 और A7 तक। अब आते हैं कि जो फुटपाथ है, फुटपाथ हायर देन द रोड सरफेस, व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर हाइट, यानी फुटपाथ सड़क की सतह पर, सतह से जो ऊँचा होता है उनकी जो ऊँचाई की सीमा, ऊंचाई की सीमा क्या होती है, यानी कि जो हमारा फुटपाथ है, सपोज दैट मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये जो फुटपाथ है और ये होती है रोड भी, इसमें जो ऊंचाई होती है उसको वो कितना रहता है मिनिमम, और याद रखना ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्व, यानी जो फुटपाथ और जो कैरिज वे या पाथवे कह सकते हैं, इनको जो डिफरेंस रहता है हाइट को कहते हैं, तो बिटवीन यानी कि रोड और फुटपाथ के जो बीच में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कर्व। तो इसकी जो हाइट होती है वो हमारी होती है कितनी, 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक। व्हाट इज द पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ द अर्बन रोड, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्टिकुलर प्रोवाइडेड केस ऑफ अर्बन रोड, जो हमारे अर्बन रोड है, ठीक है, अर्बन और रूरल, अर्बन रोड में जो हमारा प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर, वो क्या करते हैं, यानी कि शहरी में वो हम प्रोवाइड करते हैं फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है, ये अपना फुटपाथ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो पेडेस्ट्रियन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पैदल जा रहे हो कहीं भी आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से व्हीकल कंटिन्यू जाते रहते हैं रोड से, इसलिए हम ये प्रोवाइड करते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए। IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल की जो इस IRC के अनुसार व्हीकल की जो मैक्सिमम हाइट होती है, हाइट पूछा विद, सॉरी इधर
विद, यानी चौड़ाई पूछी है तो वो कितनी होती है मैक्सिमम, तो मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम होती है अपना 2.44 होती है, और मैक्सिमम लेंथ पूछा तो 10.6 होती है, और मैक्सिमम हाइट पूछा 3.8 होती है, 8 यानी कि 80 मीटर होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, सो ये तीनों इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इस बार सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में, विद वाला, ये विद नहीं है, विद है चौड़ाई है। अब कभी किसी ने पूछ लिया तो लेंथ पूछ लिया, हाइट भी पूछ सकते हैं। द टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द रोड लेंथ इन थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, प्लान कितना, 1981 से 2001। तो ये जो मैं बता रहा था वो अब आ ही गया, जो कि क्वेश्चन बताना था मुझे। तो देख सकते हैं इनका, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी प्लान होते हैं, पहले जो 1941 से हमारे जो प्लान बनाया गया था, फिर 1961 से, फिर 1981 से, सॉरी, तो फर्स्ट 20 ईयर जो प्लान था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान हमारा 1943 से 1963 तक, ये 20 साल, यानी फर्स्ट 20 ईयर प्लान ये रहा था। और जो जो इसका नाम था, अदर नाम कह सकते हैं, वो नागपुर रोड प्लान, क्या है, नागपुर रोड प्लान। अब इनका जो टारगेट डेंसिटी, डेंसिटी कितना था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। और सेकंड का जो हमारा कह सकते हैं सेकंड ईयर प्लान था, वो 1961 से 81 तक, जो कि अदर नेम हमारा कह सकते हैं बॉम्बे, ओके। एंड इसमें 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ये इसकी टारगेट डेंसिटी थी, लेकिन एक्सप्रेस वे टोटल था इसका 16,000 किलोमीटर रखा गया था। और जो हमारा पूछा क्या है इसमें, इसमें थर्ड पूछा, तो थर्ड हमारा 1981 से 2001 तक, और इसका अदर नेम है लखनऊ, लखनऊ रोड प्लान भी बोल सकते हैं, और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान भी बोल सकते हैं। इसका कितना रखा गया, इसका 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर आवर, वो किलोमीटर स्क्वायर, और इसका है 12,000, 2,000 सॉरी, इसका जो एक्सप्रेस वे था वो कितना, 2,000 किलोमीटर। तो इतना ही था इसमें। और व्हाट इज़ द IRC रिकमेंडेड विद ऑफ ए सिंगल लेन, जो सिंगल लेन है आपको पता होगा, जैसे सपोज दैट ये रोड है, यहाँ से ये लेन रहती है, तो ये सिंगल लेन रहती है, ठीक है, इसमें ये टू लेन रहती है, सिंगल लेन, और यहाँ से एक और रोड है। सिंगल लेन मीन्स कह सकते हैं एक साइड जाते हैं, यानी कि वहाँ से व्हीकल अपोजिट साइड नहीं आते हैं, ठीक है, यानी सिंगल लेन, ये यहाँ से जा रहे हैं वहाँ से, इसी रोड पे अपोजिट साइड से व्हीकल नहीं आते हैं, तो वो सिंगल लेन रहती है। तो सिंगल लेन की जो हाइट रहती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है, तो बता देता हूँ, वो देख सकते हैं आप, इसमें बता देता हूँ, सिंगल लेन की रहती है 3.75, इंटरमीडिएट की रहती है 5.50, और टू लेन की रहती है विदाउट कर्व के साथ। तो विदाउट कर्व में बताया था आपको, ये कर्व होता है, तो उसके रहती है।